हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कुछ इस टाइप से सचिन भाई की तरह अपनी वीडियो के अंदर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हो। जैसा कि गाइस, अभी के टाइम पे आप लोगों ने इंस्टाग्राम के अंदर जितने भी ट्रांजिशन वीडियो क्रिएटर है उनकी वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड तो देखा होगा। उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है, एकदम यूनिक लगती है देखने में। तो अगर आप लोग अपनी नॉर्मल सी वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही कम स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे ऐड कर सकते हो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइज, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइज सबसे पहले आ जाना है आप लोगों को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। और गाइज आप लोगों को ना अपने प्ले स्टोर से कोई सा भी VPN डाउनलोड करके उसको कनेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहां से अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम जितनी भी एडिटिंग करेंगे हम कैपकट एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। तो जैसे गाइज आप लोगों का कैपकट एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपके सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से गाइज आप लोगों को यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो गाइज आप लोगों को ऊपर में स्टॉक वीडियोस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल से आप लोगों को स्टॉक वीडियोस पे क्लिक कर देना होगा कुछ इस तरीके से। जैसे गाइज यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दो कलर के बैकग्राउंड दिखेंगे, एक ब्लैक एक व्हाइट। तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐड कर देना। तो जैसे ही ऐड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल से गाइज आप लोगों को इधर की तरफ आना है, यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 जो रेशियो है हमारा इंस्टाग्राम का उसको सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों को अपने ब्लैक वाले लेयर पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से एंड इसको दोनों फिंगर की मदद से इस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को पूरा स्क्रीन पे ऐड कर देना है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है कि लास्ट में हमें कैपकट की तरफ से वाटरमार्क दे देता है, तो हम क्या करेंगे गाइज इसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद गाइज अब हमें क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और इसकी जो लेंथ है बढ़ा देनी है, ठीक है। तो मैं इसको 13 सेकंड के आसपास रख देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो हमने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड तो ऐड कर लिया। अब हमें वीडियो ऐड करना है, तो वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ से ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से गाइज आप लोगों को अपनी एक नॉर्मल सी वीडियो ले लेना है, जहाँ पे भी आप लोग शूट किया हो आप लोगों ने वीडियो, उस वीडियो को ले लेना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर तुषार भाई की एक वीडियो को ले ले रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो है। अभी मैं दोनों फिंगर्स की मदद से इस वीडियो को जूम करूंगा। जूम करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो हमारी आ चुकी है। अब हमें अपने वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और नीचे यहाँ पर आओगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को कटआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आप लोगों को कटआउट पे क्लिक करना है और यहां पर गाइज आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहां पर रिमूव बैकग्राउंड और कस्टमाइज कंट्रोल, ठीक है, और क्रोमा की। तो कस्टमाइज कंट्रोल में आप लोग क्या कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से जहां जहां पे भी अगर इरेज करना चाहते हो बैकग्राउंड में वहां वहां रिमूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज आप लोगों को कुछ ही सेकंड वेट करना है, ठीक है, जरा सा कुछ सेकंड वेट करना है और कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब हम इसको डन करते हैं। डन करने के बाद अभी देख सकते हो गाइस बिल्कुल ओवर लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम PNG ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के वॉल पे। अभी हमें थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी होगी। इसके लिए हमें वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, और इधर की तरफ आ जाना, यहाँ पर एक एडजस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है गाइस ब्राइटनेस को आप लोग कम कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कॉन्ट्रास्ट जो है कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देते हैं। सेचुरेशन जो है गाइस सेचुरेशन को हल्का सा अपने फेस के कलर के हिसाब से रख देना, कुछ इतना मैं रख देता हूँ, ठीक है। एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है, इतना। एंड यहाँ से शार्पनेस जो है गाइस शार्पनेस को आप लोगों को पूरा 50% रख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इतना करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा हमारा ओवर एक्सपोज भी नहीं लग रहा है वीडियो और थोड़ा रियलिस्टिक भी दिख रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है गाइज, थोड़ा सा हमें RGB इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, RGB लाइट की। तो इसके लिए हमें ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन पे चले जाएंगे एंड गाइज आप लोगों को एक ब्लू एंड एक रेड की PNG दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ऐड करना,
एंड ऐड करने के बाद स्प्लाइस पे जाना, ठीक है। और जाने के बाद गाइज आप लोगों को इसमें को क्या करना है ना, इसको आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। इसको यहाँ से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा सही होगा। तो यहाँ से लाइटन कर देना, लाइटन करने के बाद दोनों फिंगर से जूम करना और इसको जितना ज़्यादा साइड में हो सके कुछ, गाइज आप लोगों को ये जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से यहाँ पे करना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फेस पे भी आए, ताकि लगे हमारा थोड़ा सा RGB लुक, ठीक है। इतना करने के बाद इसको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद इसकी जो लेंथ है गाइज, वीडियो जहाँ तक है आप लोगों की वहाँ तक आप लोगों को इसको सेट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस फिर से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों को, ओके। एंड यहां से अभी हम रेड कलर वाला PNG ले लेते हैं एंड यहां से ऐड पे क्लिक कर देंगे और इसको भी गाइस हम क्या करेंगे, स्प्लाइस पे जाएंगे और इसको भी हम लाइटन कर देंगे। लाइटन करने के बाद दोनों फिंगर्स की मदद से जूम करेंगे और इसको भी कुछ इस तरीके से हम इसको साइड में सेट कर देंगे कुछ इतने में, ठीक है। इतना करने के बाद यहां से हम इसको डन करते हैं एंड डन करने के बाद इसकी भी जो लेंथ है गाइस वीडियो के लास्ट तक ले जाना और यहां से इसको हम क्या करेंगे गाइस कुछ इस तरीके से इसके लेयर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो गाइस हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। सो अभी अगर आप लोग म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेना, ठीक है। बाकी यहां पर मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, बाकी यहां पर एक बार आप लोगों को मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं तो यहां पर देखना गाइस वीडियो हमारी बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही है वीडियो, ठीक है, एकदम रियलिस्टिक लग रही है वीडियो, ठीक है। आप ये लोग यहां पर देख ही सकते हो। तो आई होप आप समझ गए हो कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में ऐड करना है, जैसे सचिन भाई अपनी वीडियो के अंदर करते हैं सेम उसी तरीके से एकदम लग रहा है, ठीक है, और बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है। तो आप लोग भी ट्राई करो इसी तरीके से, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। और अब आप लोग इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो यहां पर इसका जो साइज इसको बढ़ा देना 1080p में कर देना ताकि क्वालिटी हमारी बेस्ट हो, ठीक है। अब यहां से मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं और ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज टाटा बाय बाय।